दुखी होकर के उन्हें सोशल मीडिया में लाल रंग से लिख के साथ डाल दिया कि मैं डाकिया नहीं। तो कंगना जी ने ठीक बात कही, तो आपने डाकियों का अपमान किया ही किया, और उसके साथ साथ में और लोगों की भावनाओं को भी आपने जो है उनका भी अपमान किया। कि पहले कहते थे जब हम सत्ता में थे विपक्ष में तो बोलते थे आप हमें सुझाव दीजिए, हम सरकार के खिलाफ इन मुद्दों को उठाएंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, और उसके बाद जब सरकार बनी, मंत्री बने, आप हमको सुझाव दीजिए, ये सुझाव किया, लोगों ने सुझाव से भर दिया, कहा कि मुख्यमंत्री से बात करो, बेरोजगारी को खत्म करने की बातें कही थी इसके बारे में बात करो, रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं उसके बारे में बात करो, और आखिरकार दुखी होकर के उन्हें सोशल मीडिया में लाल रंग के लिस्ट के साथ डाल दिया कि मैं डाकिया नहीं। आप ही कह रहे थे कि सुझाव दीजिए, आप ही कह रहे थे कि हमें सुझाव दीजिए, आप हमारा हमको हम उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे। तो कंगना जी ने ठीक बात कही, तो आपने डाकियों का अपमान किया ही किया, और उसके साथ साथ में और लोगों की भावनाओं को भी आपने जो है उनका भी अपमान किया। अब मैं डाकिया बन करके लोगों की बात को प्रधानमंत्री तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी, मैं डाकिया बनूंगी। उन्होंने इस बात को कहा, मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी बात है।